गोल्ड न्यूज़ के सीनियर एंकर अरशद शरीफ की शहादत पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इजहार अफसोस। समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर अपने पैगाम में वज़ीर आज़म ने कहा कि सीनियर सहाफ़ी अरशद शरीफ की नागहानी मौत की खबर सुनकर बहुत दुख हुआ। अपने ट्विटर पैगाम में शहबाज शरीफ ने सीनियर एंकर अरशद शरीफ की फैमिली से भी ताज़ियत का इजहार किया है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मजीद कहा कि अल्लाह पाक अरशद शरीफ को जन्नत में जगह दे। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी ने ट्विटर पर अरशद शरीफ की मौत पर अफसोस का इजहार किया और लिखा, अरशद शरीफ की मौत पाकिस्तान और सहाफत का बहुत बड़ा नुकसान है। आरिफ अलवी ने अरशद शरीफ के लिए दुआए मगफिरत करते हुए लिखा कि अल्लाह इनकी फैमिली और मद्दाहों को ये सदमा बर्दाश्त करने की हिम्मत दे। एक बार फिर नंबर वन बोल न्यूज ने एक बार फिर सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। 8 दिन के अंदर अंदर लॉन्ग मार्च का ऐलान हो जाएगा। इलेक्शन पे तवज्जो करते हैं और उसके बाद जो हम इसको निपटेंगे। बोल का प्रोग्राम नेशनल डिबेट 11 बजे की स्लॉट में सबसे ज्यादा देखा गया। बंद गली में तो नहीं फंस गया है कि फाइनल कॉल की अनाउंसमेंट ही नहीं होके दे रही। वो बंद गली पहुंचते पहुंचते वजीर आजम की कुर्सी तक पहुंच गए। 68% सार्वीन ने सिर्फ बोल देखने का इंतखाब किया क्योंकि बोल है नंबर वन। सबसे बड़ी कवरेज, सबसे बड़े पैनलिस्ट, हमने तो बड़ी PMLN के वार सहे, वो भी बिला वजह। सबसे ज्यादा रिपोर्टर्स, इलेक्शन कमीशन की जानिब से कोई इंतजाम इतने अच्छे तरीके से नहीं किए गए। बोल की रिवायत, सबसे पहला नतीजा। अहम खबर है, बहावल नगर भी कप्तान का, PTI कामयाब, मुकम्मल गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा सिर्फ बोल न्यूज पर। लम्हा बा लम्हा इलेक्शन की खबर सिर्फ बोल पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।